के होगा एक जल सा हशर में ऐसा हाथ को उठा दें और कह दें इंशाल्लाह, सब लोग हाथ उठा दें और कह दें इंशाल्लाह के होगा एक जल सा हशर में ऐसा जिसमें सरकार की अजमत पे खिताबत होगी। एक एक मिसरा पे तवज्जो चाहता हूँ के होगा एक जल सा हशर में ऐसा जिसमें सरकार की अजमत पे खिताबत होगी। के होगा एक जल के होगा एक जल सा हशर में ऐसा के जिसमें सरकार की अजमत पे खिताबत होगी। के सदर में शर हमारा रब होगा, सदर में शर हमारा रब होगा, हजरत बुलबुल सिदरा की नकावत होगी। सदर में शर हमारा रब होगा, हजरत बुलबुल सिदरा की नकावत होगी। क्या कहने जिंदाबाद सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कयामत का मैदान होगा, मुस्तफा सर को सजदे में करेंगे, निदा आएगी महबूब मेरे महबूब अपने सर को उठाएं, मेरे मुस्तफा फरमाएंगे परवरदिगार तूने मुझसे कुरान शरीफ में वादा कर रखा है, अनकरीब ए महबूब हम आपको इतना देंगे इतना देंगे इतना देंगे कि आपको राजी कर देंगे। मौला मेरी उम्मत को बख्श दे और मुझे राजी कर, हुजूर आपके लिए कयामत में सर को सजदे में करेंगे। आप दुनिया में हुजूर के लिए क्यों नहीं दोनों हाथ को उठा देते हैं, हाथ उठा दें और कह दें या रसूल अल्लाह। अब मैं देखना चाहता हूँ इस शेर पे कौन चुप रहेगा के होगा सर मुस्तफा का सजदे में, के होगा सर मुस्तफा का सजदे में, के होगा सर के होगा सर मुस्तफा का सजदे के जब परेशानी के आलमों में ये उम्मत होगी के रब कहेगा ये मेरा वादा है, रब कहेगा ये मेरा वादा है के उसको बख्शूंगा तेरी जिस में मोहब्बत होगी। रब कहेगा रब कहेगा के रब कहेगा ये मेरा वादा है, रब कहेगा के रब कहेगा ये मेरा वादा है के उसको बख्शूंगा तेरी जिस में मोहब्बत होगी। रब कहेगा ये मेरा वादा।
शेर की वजह से हबीबुल्लाह फैजी को बहुत लोगों ने गाली दी और बहुत लोगों ने दुआ दी। मैं वो शेर आपके दरमियान पढ़ना चाहता हूँ। कह दें सुभान अल्लाह। और मैं देखना चाहता हूँ कि आप दुआ देते हैं कि नहीं। कि मैं पढ़ूंगा हदाइक़े बख्शिश, कि मैं पढ़ूंगा हदाइक़े बख्शिश, कि मैं पढ़ूंगा बख्शिश, के हश्र की भीड़ में गर मुझे कोई इजाजत होगी ये सुन के नारा लगाएंगे सुन्नी, सुन के नारा लगाएंगे सुन्नी, और मुनाफिक के लिए दोरी कयामत होगी। सुन के यार रसूल अल्लाह क्या कहने, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। भाई साहब एक बार और, एक बार और माशाल्लाह। जरा एक बार सब लोग अपने हाथों को उठा ले भाई, सब लोग नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, दयारे मुस्तफा कॉन्फ्रेंस, एक बार और माशाल्लाह। कि मैं पढ़ूंगा हदाइक़े बख्शिश, के मैं पढ़ूंगा हदाइक़े बख्शिश, हश्र की भीड़ में गर मुझे कोई इजाजत होगी के सुन के नारा लगाएंगे सुन्नी, के सुन के नारा लगाएंगे सुन्नी, और मुनाफिक के लिए दोरी कयामत होगी। सुन के नारा, सुन के के सुन के नारा लगाएंगे सुन्नी, और वापी और मुनाफिक के लिए दो रिकयामत होगी। सुन के नारा लगाएंगे एक बन पढ़ के अपनी जगह जा रहा हूँ। और इस महीने में, अभी मेरे सरकार का महीना है, इस महीने में ये कलाम अक्सर जगह में पढ़ता हूँ, लेकिन सिर्फ एक बन बोल दें के गूंज उठी सदाए मरहबा, आ गए हुजूर आ गए। आप सबको मिलकर पढ़ना है क्या, आ गए के गूंज उठी सदाए मरहबा, आ गए हुजूर आ गए, आ गए हुजूर आ गए, पढ़िए आ गए हुजूर आ गए, आ गए हुजूर और जश्न ईद बारहवीं मना, जश्न ईद बारहवीं मना, आ गए हुजूर आ गए, आ गए हुजूर आ गए, पढ़िए आ गए हुजूर आ गए, जश्न ईद बार
हुजूर आ गए हुजूर आ गए। अब जब हुजूर आ गए तो क्या हुआ, थर थराने कांपने लगा, चीख उठे पुजारी क्या हुआ, थर थराने कांपने लगो, थर थराने कांपने लगा, चीख उठे अरे चीख उठे पुजारी क्या हुआ, बुत ये कहते मुंह के बल गिरा, आ गए हुजूर आ गए हुजूर आ गए, बुत ये कहते मुंह के बल गिरा, आ गए हुजूर आ गए, पढ़िए आ गए हुजूर आ गए हुजूर आ गए। मरहबा जिंदाबाद। आसमान हमेशा जमीन को धमकी देता था, ऐ जमीन चुप, तेरी औकात क्या, हमेशा आसमान। मगर एक दिन जमीन बोलने लगी, अब तक जमीन चुप थी, एक दिन जमीन बोलने लगी, आसमान चुप हो गया। तसव्वुर में हमने पूछा, आसमान क्यों चुप है, अब तक तू बोल रहा था जमीन चुपचाप थी, तो आसमान ने कहा, बात ही ऐसी है कि मैं क्या बोलूं। अब सुने क्या बात है, अर्शो फर्श की थी गुफ्तगो, मैं बड़ा हूँ या बड़ा है तू, अर्शो फर्श की थी गुफ्तगो, अर्शो फर्श की थी गुफ्तगो, मैं बड़ा हूँ या बड़ा है तू, बोलो ना, अर्शो फर्श की थी गुफ्तगो, मैं बड़ा हूँ या बड़ा है तू, अजी मैं बड़ा हूँ या बड़ा है तू, फर्श बोला अब मैं हूँ बड़ा, आ गए हुजूर आ गए हुजूर आ गए, फर्श बोला अब मैं हूँ बड़ा, आ गए हुजूर आ गए हुजूर आ गए, गूंज उठी सदाए मरहबा।